Oh, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have? बडवाइजर मैग्नम का रिव्यू करेंगे आज। ये मैंने गुड़गांव से ख़रीदी है 1300 रुपये की और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इसका इसके बारे में जानने का। इसकी कभी बॉटल की शक्ल नहीं देखी है। जो लोग नहीं जानते, बडवाइजर मैग्नम की जो बियर है वो केवल इंडिया में मिलती है, बाहर नहीं मिलती। इंडिया से मुझे ये काफ़ी पसंद आया इनका स्वभाव कि ये इंडिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और मेरे लिए अच्छा हो रहा है। बॉटल की लुक तो बहुत बढ़िया है, ब्लैक एंड वाइट जो फॉन्ट है आपको ये याद दिलाएगा टीचर ओरिजिन का। फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। जी हाँ, मैंने ये जहाँ से ख़रीदी थी उसका मैं एड्रेस डाल दूँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से कैपिंग हुई है, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वालिटी। 1300 रुपये की बॉटल है। मुझे पहले लग रहा था मुझे ख़रीदने नहीं देंगे, बिकॉज़ वो खाली 3 बॉटल ख़रीदने देते इंडियन लेकर की, बट ये इंडियन लेकर नहीं मानते वो, तो अच्छी बात है मेरे लिए। एंड 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। ये एक ब्लेंडेड स्कॉच है, डबल बैरल यहाँ पे लिखा है, तो देखेंगे क्या इसका टेस्ट है। इज़ इट वर्थ योर मनी, क्या ये ख़रीदने लायक है या नहीं। रुकिए, इसे कहते हैं जेन्युइन स्टिकर, प्रॉपर स्टिकर जो लगा होता है ना, उतने नाटक करके कोई और एजेंट निकालते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। ओके, ये खोल दिया इसका। ये मैं लेकर तो यार 6 बॉटल लेके आया था मैं, आप उसका भी जल्दी रिव्यू देखेंगे बाकी बॉटल्स का, बट इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और मैं तो यार क्राउड प्लीजर आदमी हूँ, क्राउड जो चाहेगा वही करूँगा मैं। बेशर्म नंबर वन, बेहिजक नंबर वन, मैग्नम बडवाइजर मैग्नम विस्की। लुक बहुत अच्छी है बॉटल की, बहुत अच्छी पेशकश है। 1300 रुपये से महंगी लग रही है। अगर आप टीचर्स हाईलैंड के दीवाने हैं तो टीचर्स हाईलैंड की 1 लीटर बॉटल मिल रही है 1500 रुपये की लेक फॉरेस्ट गुड़गांव में, और 3 बॉटलें टीचर्स हाईलैंड रिजर्व की मिल रही है 750 मिलीलीटर की 3300 रुपये में। गोल्फ कोर्स रोड में है कोई लेक फॉरेस्ट जी टाउन व्हाटएवर। अब इसको डालेंगे नोजिंग ग्लास में। प्रणाम बोलिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा डाला है मैंने। स्मेल से कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा, स्पिरिटेड स्मेल है। ड्राई फ्रूट रेजिन्स, लिटिल बिट बनाना पील, मॉल्टी काफ़ी है ये, विच इज़ गुड, मॉल्टी विस्कीज आर गुड। ये मेरा ग्लास रहा बिना किसी रुकावट के, इसमें ये डाल देते हैं। ये मेरा ब्लैक डॉग का ग्लास है। कलर की बात करें तो कलर इसका काफ़ी सुकून देने वाला है, बहुत ही माइल्ड कलर है, वेरी गुड कलर। स्मेल से मैं ज़्यादा नहीं कह पाया, स्मेल से मुझे लगा ऐसी होगी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक ड्रिंक बनाते विथ आइस एंड वाटर। ये मेरी विस्की 3 क्यूब आइस और पानी हम थोड़ा डालेंगे इसमें, ठीक है। अब इसको वेट कराएंगे 5 मिनट्स, बी राइट बैक। सॉरी भाइयों, कोई कॉल आ गया था मुझे। अब करेंगे बडवाइजर मैग्नम का रिव्यू। पहला सिप है, 8 मिनट बैठा है ड्रिंक। मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, और अगर आपने 8 मिनट ड्रिंक को बैठा दिया तो बिल्कुल मस्ताना वाला टेस्ट आएगा मेरे ख्याल से, किसी भी विस्की का, बियर का था क्या मैंने। चीयर्स। स्मूद फ्लैट टेस्ट है इसका, कोई इतना बड़ा चाप नहीं है, कोई इतना छुपा हुआ अंदाज नहीं है, कोई इतनी ग्रेटनेस नहीं है। ओके है, थोड़ा बहुत हेडेक हो रहा है, पर वो बर्फ़ की वजह से भी हो सकता है, कमज़ोर हो गया हूँ मैं लगता है। बट एक इसका ऐसे शॉट लेके देखते हैं कि एक्चुअल में टेस्ट क्या है। बट फिलहाल पानी के साथ तो ज़्यादा फ्लेवरिंग नहीं आ रही। आप कहेंगे कि पानी बहुत ज़्यादा डाला, बहुत देर वेट कराया, इसीलिए यहाँ पे ये हाजिर है।
And let's take a sip. भाई ये तो बहुत माइल्ड है. अजीब ही ड्रिंक है भाई. क्रीमी भी नहीं है ये, मैं कहूँगा. इसका टेस्ट ना बहुत पतला है और बहुत ही साधारण है. अगर आप बैठे हैं, अगर आप बहुत यंग है और बियर पीते हैं और आपको बडवाइजर मैग्नम पसंद है, अब आप कह रहे हो यार कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो बडवाइजर मैग्नम की विस्की ज़रूर आप लेके आ सकते हैं. लेकिन 1300 में फुल बॉटल ज़रूर चार्ज किया है इन्होंने और 1500-1700 रुपये की प्राइस रेंज तक दिल्ली में होगी. उस लिहाज से ये कहीं पर नज़दीक भी नहीं आता आपके टीचर्स हाईलैंड रिजर्व के साथ, आपके टीचर्स हाईलैंड के साथ, आपके 100 पाइपर्स के साथ. वो इसलिए क्योंकि इसके सिग्नेचर, इसके फ्लेवरिंग में कोई ऐसा छुपा रुतबा नहीं है. एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि जितना हो सकता है उतना सच बोलने की कोशिश करता हूँ. ये बाटली मैंने ली है गुड़गांव से. अब गुड़गांव में यू नो रशियन रोलेट होती है. मतलब थोड़ा बहुत कई बार गुड़गांव की विस्कीज़ का टेस्ट हरियाणा की जो विस्कीज़ बनती है उनका जो फ्लेवरिंग और कंप्लीट एसेंस होता है वो डिफरेंट होता है दैन दिल्ली. दिल्ली वाली बेटर होती है, जैसे कि मैंने कई वीडियोज़ में दिखाया आपको. आप मानेंगे ये, अगर आप नए आए हैं तो प्रणाम गुरुदेव. बट जो पुराने हमारे लोग हैं वो जानते हैं कि हमने दिल्ली गुड़गांव को जब भी कंपेयर किया है तो फ़र्क ज़रूर आया है. मैं नहीं कह रहा कि नकली है ये ड्रिंक्स, बट फ्लेवरिंग थोड़ी 10-20% ऊपर नीचे हो सकती है. लेकिन अगर मैं इस मैग्नम में विस्की, हाँ मैग्नम विस्की में मैं कुछ डालूं भी, आई डोंट थिंक इट हैज़ दैट दैट बाइट, दैट करिश्मा. चलिए ये ऐसा नहीं है कि अल्कोहल कम है, इन लोगों ने कम पैसे खर्चे हैं टेस्ट प्रोफाइल बनाने में. ना इसकी पहले सिप में आपको जांच पर पड़ताल कर पाते हैं अपनी जीभ और लबों के साथ, ना ही इसका कोई आफ्टर टेस्ट है, ना इसका कोई फर्स्ट टेस्ट है. एक अजीब सा सस्ती दारू वाला सिरदर्द ज़रूर यहाँ पर महसूस हो रहा है. और ये बडवाइजर मैग्नम अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत कोशिश कर रहा था मैं इसको लाइक करूँ, बट ये कसम से इट इज़ नॉट अ गुड विस्की. आई वुड से कि ये ख़रीदने लायक भी नहीं है. अगर आप ख़रीदने वाले थे इसको तो मैं कहूँगा आप ग्रैंड्स ले आइए, आप हाईलैंड रिज़र्व ले आइए, आप 100 पाइपर्स ले आइए, आप रॉकफोर्ड रिज़र्व ले आइए, आप इम्पीरियल ब्लू ले आइए, आप 100 पाइपर्स 8 ईयर्स वाले ले आइए, आप शिवस ले आइए. शिवस तो बहुत महंगी है इसके सामने. ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड, ब्लैक डॉग प्राइवेट रिज़र्व, ब्लैक लेबल, ब्लैक डॉग की जितने भी आती है विस्की सारी बेटर है इससे. क्या ये बुरी विस्की है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. पर यार अब ये देखिए, मैंने 100 रिव्यूज़ किए विस्की के. क्या ये किसी भी तरीके से कोई चुनौती देती है, कुछ प्रकट करती है? मुझे नहीं लगता कुछ करती है. इट्स अ डिसअपॉइंटिंग ड्रिंक. इट्स वेरी वेरी एवरेज. इट हैज़ एब्सोल्युटली नो कैरेक्टर, नो एक्सक्यूजेस. डोंट बाय दिस. सेव योर मनी, सेव योर टाइम. बाय. सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब.